नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 18वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे विश्व के महत्वपूर्ण वनों की, जिसमें हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और टैगा वनों की। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण वन हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। और अगर आपने हमारे इसके पहले के पार्ट मिस किए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उष्णकटिबंधीय क्या होता है। उष्णकटिबंधीय एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ने वाला जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, उसको 5 ताप कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, उसी में से एक है उष्ण कटिबंधीय और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पड़ता है। इस प्रकार के वन विषुवत रेखा और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इट मीन्स इस प्रकार के जो वन होंगे वो विषुवत रेखा पर पड़ने वाले प्रदेश और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले प्रदेशों में पाए जाएंगे। ये जो वन हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन हैं, उन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो वर्षा का जो पैमाना है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इन प्रकार के वनों में जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो कैसी होती हैं? इस प्रकार के वनों की पेड़ों की पत्तियाँ जो हैं वो चौड़ी होती हैं। यहाँ के जो भी वन पाए जाएंगे वहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होंगी। इस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के वन अमेजन एवं जायरे बेसिन, जो अमेजन और जायरे नदी है उनका जो भी क्षेत्र है, उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके अलावा पश्चिम अफ्रीका, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और इंडोनेशिया आदि क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन एवं जायरे बेसिन, जो अमेजन और जायरे नदी हैं उनके आसपास के क्षेत्र, पश्चिम अफ्रीका के तटीय प्रदेश, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण सदाबहार वन ऐसे वन जहाँ पर साल भर वर्षा होती है। जो शीतोष्ण सदाबहार वन है इस क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है। यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें पूरे वर्ष वर्षा होती है। यहाँ पर शीतकाल का तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। अगर बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो यहाँ का जो तापमान है वो 10 डिग्री से अधिक होता है। और यहाँ का भी जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। इस क्षेत्र में भी वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन हैं वो दक्षिणी चीन, दक्षिणी जापान, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ब्राज़ील एवं दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो जितने भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, चाहे वो दक्षिणी चीन हो, दक्षिणी जापान हो, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण ब्राज़ील हो और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जितने भी दक्षिण के क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये है कि यहाँ पर साल भर वर्षा होती है और शीतकाल में इनका तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। इट मीन्स यहाँ के जो भी वन हैं वो ठंडी जलवायु के वन होते हैं। इस प्रकार के वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो इन वनों में कपूर, बांस, चीड़, यूकेलिप्टिस, अखरोट, आयरन वुड, वाटल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि शीतोष्ण क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में कपूर, बांस, चीड़, यूकेलिप्टिस, अखरोट, आयरन वुड, वाटल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसून वन। उष्णकटिबंधीय मानसून वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के वन थाईलैंड,
कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी जावा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एक बार फिर से देखते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी जावा में उष्णकटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। इन वनों में टीक, बांस, साल, चंदन, बबूल एवं यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। टीक, बांस, साल, चंदन, बबूल एवं यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करें चंदन के वन किस प्रकार के मानसून वन हैं, तो चंदन के वन जो हैं वो उष्णकटिबंधीय मानसून वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टैगा या पर्णपाती वन। टैगा या पर्णपाती वन, ये वन यूरेशिया क्षेत्र, यूरोप और एशिया के बीच के जो क्षेत्र हैं जिसमें उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी से लगा कर के पूर्वी तटीय क्षेत्र आता है, इन क्षेत्रों में टैगा या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो भी वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टैगा या पर्णपाती वन। इन वनों में चीड़, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार आदि, ये वृक्ष टैगा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरी वन। भूमध्य सागरी वन, इसके नाम से ही कंफर्म है कि भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र होंगे। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, मध्य चिली एवं कैलिफोर्निया, इन क्षेत्रों में जो भी वन पाए जाते हैं वो भूमध्य सागरी वन कहलाते हैं। इन वनों में जो प्रमुख हैं वो हैं बांज, देवदार, यूकेलिप्टिस, साइप्रस, मैकविक जो कि फ्रांस में पाया जाता है, मैकविक प्रजाति जो है वो फ्रांस में पाई जाती है, उसके अलावा चैपरल जो कि कैलिफोर्निया में पाई जाती है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरी वनों में बांज, देवदार, यूकेलिप्टिस, साइप्रस, मैकविक जो कि फ्रांस और चैपरल कैलिफोर्निया आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीत शीतोष्ण वन। ये वन पश्चिमी यूरोप, संयुक्त पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी चीन, उत्तरी जापान, कोरिया, दक्षिणी चिली आदि में पाए जाते हैं। शीत शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी चीन, उत्तरी जापान, कोरिया, दक्षिणी चिली आदि क्षेत्रों में शीत शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इन वनों में अखरोट, पापलर, हिकोरी, बादाम, देवदास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीत शीतोष्ण क्षेत्र में जो प्रमुख वन हैं वो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं अखरोट, पापलर, हिकोरी, बादाम और देवदास। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो शीत शीतोष्ण वन के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।